तो दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको दी और आपको बताया है वो देखिए, जो जो साउथ पोल है ये देखिए किस तरीके की ज़मीन है, कितनी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है और यहीं पे सीधे अब चांद की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वो जो भयानक न्यूज़ आई है, जो एक ख़तरनाक न्यूज़ आई है, जो कि हम सभी के लिए एक और या कह लीजिए इसरो के लिए दिल धड़काने वाली जो इमेज है, देखिए यहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है डार्क साइड पर। लेकिन एक जो ख़तरा मटरा रहा है, एक जो न्यूज़ आ गई है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की जानकारी मैं आपके पास सबसे तेज सबसे पहले लेकर के आ रहा हूं। और जो जानकारी है कमेंट में भी आप जरूर लिखें आपकी क्या राय है। तो दोस्तों 6:15 में दूसरी लैंडिंग के लिए डाला गया है। जी हां, पहली लैंडिंग के लिए प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन कुछ डर उनको था कि ये क्रैश ना हो जाए लूना 25 की तरह, क्योंकि लूना 25 का जो हाल हुआ था चीथड़े उड़ गए थे। तो 6:15 में दूसरी लैंडिंग करने के आश्वासन दिया गया है, ये जो नोट आप कर ले। और बहुत सी जानकारियां मैं लेकर के आई हूँ, छोड़ के नहीं जाइएगा इस वीडियो को, जो कि कहीं आपको नहीं मिलेगी। चांद से कितनी दूरी पर है आपका जो चंद्रयान 3 है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चांद से 25 किलोमीटर की दूरी रह गई है। जी हाँ, 25 किलोमीटर की ऊँचाई रह गई है, दूसरे लैंडिंग की तैयारी की जा रही है। और अर्थ से जो सबसे बड़ी बात, अहम बात है, वो बता रहा हूं दोस्तों, अर्थ से सीधा कांटेक्ट नहीं है अब चंद्रयान 3 का। क्योंकि तो आप सोचेंगे कैसे चल रहा है, कैसे लैंडिंग होगी अगर सीधा कांटेक्ट नहीं है, इसरो के हेडक्वार्टर से अगर सीधा कांटेक्ट नहीं है। दोस्तों एक प्रोग्रामिंग पे डाल दिया गया है, अब टोटली चंद्रयान 3 एक प्रोग्रामिंग पे डिपेंड है। दोस्तों प्रोग्रामिंग की गई है कि कब उसे दूरी नापते हुए जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग करने का वक्त आए वो तुरंत अपने थ्रस्टर को ऑन कर लेगा, और ऑन करते ही वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो प्रोग्रामिंग पे डिपेंड है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों। जितनी बेहतरीन प्रोग्रामिंग की गई होगी उतने बेहतरीन तरीके से वो उतरेगा। और पिछली चंद्रयान जो 2 था उससे गलती से इसको अपग्रेड किया गया है, कि किस तरीके से वो हार्ड लैंडिंग हुई थी इसे अपग्रेड कर दिया गया है, ताकि उस गलती से हम सीख करके सबक लें और उसी तरीके से इसकी डिज़ाइन की गई है। गलती की चांस नहीं होगी, एक भी गलती की चांस नहीं हो सकती, क्योंकि आज आखिरी दिन है दोस्तों, एंडिंग 27 अगस्त। अगर कुछ होता है, एक लेवल और आगे की न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, अगर कोई गड़बड़ी हुई, जी हाँ, तो 27 अगस्त को ये लैंडिंग बढ़ा दी जाएगी। आज क्या है दोस्तों, 23 अगस्त है, आज ही के दिन में प्रोग्रामिंग जिस तरीके से की गई है, लेकिन एक और प्रोग्रामिंग डाली गई है जो 27 अगस्त को भी किया जा सकता है अगर आज अटैम्प्ट नहीं होता है। वैसे आज आन और बान की शान की कहानी जो चल रही थी भारत के साथ वो जुड़ी हुई है, आन बान शान की बात है। और 20 अगस्त को स्पीड कम की गई थी दोस्तों, 20 अगस्त को जो स्पीड थी कम की गई थी, और इस तरीके से जो भी न्यूज़ थी 6-7 बिंदुओं में मैंने रखने की कोशिश की। और अपग्रेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अभी मैं फिर आपको अपडेट के साथ रूबरू कराऊंगा। जय हिंद।